हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे इस तरह का मसाले वाली दाल जो कि खाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो शुरू करें अपनी रेसिपी। एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है तो जीरा डाल देंगे। जीरा लाल हो गया है, करी पत्ता डाल देंगे, हींग डाल देंगे, एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं तब तक हम 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और 1 स्टार फूल का पत्ती, इन्हें हम कूट लेते हैं। टमाटर गल चुके हैं तो थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से मिर्च का पाउडर डालेंगे। जो खड़े मसाले हमने कूटा था ना, उसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं तो कुकर में जो हमने दाल उबाला था ना तुअर की, हल्दी और नमक डालकर, उसे हम डाल देंगे। दाल में हमारे उबाल आ चुका है तो इमली का पानी डाल देंगे। और दाल को पकाते समय मैंने पहले से ही शक्कर डाल दिया था थोड़ा सा, तो ये खट्टी मीठी दाल हमारी तैयार हो रही है। तो थोड़ा सा और उबालेंगे। दाल में हमारे बहुत ही अच्छी तरह से उबाल आ रहा है तो ऊपर से हरे धनिए की गार्निशिंग करेंगे। तो ये खट्टी मीठी और मसाले वाली दाल आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।